वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बाजरी के आटे के लड्डू। तो ये लड्डू एकदम सॉफ्ट और इंस्टेंट बन जाता है और घर में रही सामग्री से ही बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर आप हम ये रेसिपी बनाते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, बाजरी के आटे के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बाजरी का आटा ले लिया है। इसको गुजरात में कुलेर भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाजरी का आटा जो है वो छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर छलनी रख दी है और ये सारा आटा हम ऐसे छान लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारा आटा छान लिया है। अभी हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ भी मैंने यहाँ पर 2 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है। अगर आपको कम स्वीट पसंद है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 1.5 कटोरी जितना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.25 कटोरी जितना लिया है। इसमें नाप का कोई पर्टिकुलर प्रपोजल नहीं होता है। अगर आपको स्वीट खाना कम पसंद है तो आप गुड़ कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा रख सकते हैं। अभी ये ठंडी के मौसम है तो ये बाजरी का आटा, घी, गुड़ ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप इस तरह के लड्डू इंस्टेंट बन जाते हैं और ये लड्डू बच्चों को बना के खिलाएंगे तो हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर मैं बाजरी का आटा और गुड़ इस तरह से हाथों से मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें गर्म किया हुआ घी डालेंगे। तो गर्म किया हुआ घी है वो भी मैं 1 कटोरी ही डालूंगी, 1 कटोरी जितना डालूंगी, जो कटोरी से हमने बाजरी का आटा नाप कर लिया था। तो मैं हर बार बनाती हूँ तो मुझे अंदाजे से पता है कि 1 कटोरी जितना। अगर आपको कम पसंद है तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें लड्डू बनाना है तो 1 कटोरी जितना मेल्टेड घी हमें चाहिए। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने झटपट बन गया है और हेल्दी भी बहुत रहता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी चम्मच और भी थोड़ा घी डाल दिया है क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने हैं। अगर आप इस तरह खाना चाहते हैं तो इस तरह चूरमा की जैसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमें लड्डू बनाना है तो मैंने थोड़ा घी और ऐड कर दिया है। और इस स्टेज पे आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको गुड़ या घी थोड़ा कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें बनाना है। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट। तो अभी हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आपको जितनी साइज़ के पसंद हो इतनी साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको छोटे छोटे पसंद हो तो छोटे छोटे। अभी मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें लड्डू बनाना है। तो मैं सारे इस तरह से बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने 3-4 लड्डू और भी बना लिए हैं और इस तरह से दबा दबा के आपको, आप 2 हाथों से इस तरह से फिंगर में ऐसे प्रेस करेंगे तो अच्छे से आपके लड्डू एकदम स्मूथ बन जाएंगे। आप देख सकते हैं, तो इस तरह से सारे लड्डू बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारे लड्डू बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इंस्टेंट बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये लड्डू ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारी चैनल VR गुज्जू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।